मैं डॉक्टर उधम सिंह और स्वास्थ्य विभाग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का मेरा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन व उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स एंड इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया पे हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता की क्या प्रवृत्तियां हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी। तो सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें सर्वप्रथम रोजगार का प्रमुख स्रोत भारतीय कृषि निश्चित रूप से हमारी 50% 50% जनसंख्या को रोजगार देती है, जिसमें जनसंख्या का जो परसेंटेज है वह कृषि कार्यों पे कार्य करती है और उनका मुख्य स्रोत रोजगार का स्रोत कार्य करने की पद्धतियां कृषि कार्यों में लगी रहती हैं। और दूसरी बात आती है राष्ट्रीय योगदान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जो भूमिका रही है निश्चित रूप से एक अहम भूमिका देखने को मिला है। नेशनल इनकम में लगभग 16% भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ा सोर्स हमारे कृषि के माध्यम से लोगों की को रोजगार आय में वृद्धि का एक मार्ग मिलता है। दूसरी बात होती है अधिक आर्थिक विकास का आधार। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि हमारा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कृषि ही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण मानी जाती है, जिसके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। गांव में कृषि की उपयोगिता तकनीकी परिवर्तन करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि होगी, उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर निरंतर ऊपर उठता होगा। दूसरी बात आती है आर्थिक विकास का जो आधार है वह आधार निश्चित रूप से कृषि मानी जाती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, निर्यात का जो क्रम है वह निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की अगर हम बात करते हैं तो 2013 और 14 में यह लगभग अनुमानित 12% निर्यात हमारा कृषि क्षेत्रों से रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरी बात खाद्य सामग्री की पूर्ति, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव होने के बावजूद भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रबल
और सशक्त उत्पादकता की ओर अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिसके वजह से हमारी खाद्य सामग्री के पूर्ति में भारत बल्कि आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि हम यह कह सकते हैं या भारतीय प्रोडक्ट को तैयार करके, फसलों को तैयार करके हम विदेशों तक इस वस्तु को भेजने में, निर्यात करने में सक्षम हुए। और दूसरी बात आती है राजस्व में योगदान, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की अगर हम परिचर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण आता है राजस्व में योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन इन रिवेन्यू। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का, जैसा कि मैं पूर्व में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेवेन्यू का लगभग 16% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है कृषि से, जिसके माध्यम से यह भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उत्पादन की प्रवृत्तियों का अर्थशास्त्र पालन किया जाता है। दूसरी बात आती है व्यापार और परिवहन पर निर्भरता, कृषि के ही माध्यम से हमारा लगभग कृषि विकास, कृषि वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हम कृषि वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संपूर्ण समुचित व्यवस्था अपना करके उसे, परिवहन की जो निर्भरता है निश्चित रूप से हमारी कृषि ने एक अत्यधिक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि लोगों को रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र में और परिवहन के में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है हमारा कृषि विकास। पूंजी निर्माण, निश्चित रूप से यह भी देखने को मिला है हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिला है, क्योंकि कृषि में हमें आधुनिक यंत्रीकरण की आवश्यकता है, पशुपालन, ट्रैक्टर, मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसके माध्यम से अन्य लोग उसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट करके एक पूंजी निर्माण का एक माध्यम भी बनता है हमारा हमारा कृषि। दूसरी बात आती है क्रांतियों का इंद्रधनुष कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, रेवेन्यू ऑफ रिवेल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम भारत में हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, इस तरह की आत्मनिर्भरता सरकार द्वारा इस तरह के कार्य योजना को चला करके एक निश्चित मिशन को प्राप्त करने के लिए हमें हरित क्रांति खेती में, पीली क्रांति तिलहन में, श्वेत क्रांति दुग्ध में और इस तरह की योजनाओं को एक प्रोत्साहन दे करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय कृषि में इस तरह का एक महत्व देखा गया। दूसरी बचत का स्रोत, सोर्स ऑफ सरप्लस, हम कृषि कार्यों के माध्यम से कैश क्रॉप फसलों को और साथ ही साथ ऐसे फसलों को हम प्रोडक्ट करें, उत्पादन करें, जिससे कि हमारी बचत अधिक से अधिक बचत हो और हमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और उसके माध्यम से हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से, फसलों के उत्पादकता के माध्यम से हमें सरप्लस उत्पन्न होता है, एक बचत उत्पन्न होता है। उत्पादन जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमारी जो लागत है, लागत की अपेक्षा हमें आय अधिक होती है। दूसरी बात आती है सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व यानी भारत दुग्ध हुआ, दाल हुआ, जूट हुआ, इन क्षेत्रों में भी
हमारी एक सामाजिक और एक राजनीतिक पकड़ देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व में यह देखा गया कि सामाजिक और राजनीतिक पकड़ हम अपने प्रोडक्ट को उत्पादित करके अपनी वर्चस्व को कायम किया गया है उत्पादन के क्षेत्र में। और दूसरी बात होती है अग्रणीय राष्ट्र, यानी भारत अग्रणी राष्ट्र क्यों है, क्योंकि हरित क्रांति के संदर्भ में, श्वेत क्रांति के संदर्भ में, भूरी क्रांति के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। उस परिवर्तन के माध्यम से उत्पादन हुआ, गन्ना हुआ, चावल हुआ, इसमें उत्पादन की एक प्रक्रिया अत्यधिक बढ़ी है, जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि हमारी स्थिति है निश्चित रूप से कृषि विकास में, भारतीय कृषि उत्पादन में अत्यधिक देखने को मिला है। दूसरी बात आती है निर्धनता निवारण की भूमिका, समावेशी विकास देखने को मिला है, समाज में समरसता और मिलजुल करके हम समन्वित विकास करें, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्व देखने को मिला है। तो आज स्टूडेंट इतना ही, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।